हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौंदर्या। आज हम देखेंगे कि फ्लावर्स बनाएंगे हम रोज़ के, और इससे जो है तो हम बालों में सजा सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक फैब्रिक चाहिए, इस तरीके का कोई भी क्लोथ आप ले सकते हैं। मेरे पास मुझे जो है तो रेड कलर के फ्लावर्स बनाने थे, तो इस तरीके का कपड़ा मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो आपको अगर अलग कलर का कपड़ा चाहिए, अलग कलर के फ्लावर्स चाहिए, तो उस तरीके से आप ले सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अभी इसके स्ट्रिप्स बना लिए हैं, देखिएगा कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ मीडियम साइज़ के हैं, और ये पूरा रेड कलर का है इस तरीके का। और इसे कॉटन का ही कपड़ा चाहिए ऐसा नहीं है, आप चाहे तो सिल्क का कपड़ा भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा इस तरीके के स्ट्रिप्स हमने बना लिए हैं, और ये जो है तो बाजू में कपड़ा धागा छोड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसे दिए पर या हम क्या करेंगे, इसके जो बाजू है उसको इस तरीके से थोड़ा सा बना लेंगे। तो क्या होगा, इससे जो है तो हम फ्लावर्स बनाएंगे तो धागा निकलेगा नहीं, और ये जो है तो सेफ़ रहेगा, ठीक है। इसीलिए सारे स्ट्रिप्स को हमें क्या करना है, एक एक करते हुए दिए पर इस तरीके से, सिर्फ इसकी बाजू जो है तो हल्के से इसे जो है तो हमें हल्के से इसको सेक लेना है इस तरीके से। सारे जो स्ट्रिप्स हमने बनाए हैं, सभी फ्लावर्स को अगर हम स्ट्रिप्स को इस तरीके से बनाएंगे तो सारे हमारे जो फ्लावर्स है वो अच्छे तरीके से जो है तो बहुत दिनों तक जो है तो वो सिक्योर रहेंगे, बहुत दिनों तक सेफ रहेंगे, इसके जो है तो धागे नहीं निकलेंगे। तो अच्छा ही है हम इस तरीके से इसको बना लेंगे, ठीक है। तो सारे स्ट्रिप्स को मैंने इस तरीके से बना लिया है, और इसके लिए अब हमें चाहिए सुई और धागा। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से मैंने स्ट्रिप्स ले ली है, तो जिस तरीके से मैं अभी बता रही हूँ उस तरीके से आपको फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं। ये जो कपड़ा है यहाँ पर हम इस तरीके से मरोड़ेंगे, और मरोड़ के इस तरीके से गोल गोल बनाएंगे। और बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अभी इसको सुई धागे से इसको सी लेंगे नीचे से। सुई धागे से सी लेने से क्या होगा, ये सिक्योर रहेगा और निकलेगा नहीं। तो ये गोंद यूज़ करने से ये अच्छा है कि हम सुई धागे से इसको सी लें। अब देखिएगा इस तरीके से आपको बना लेना है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा फ्लावर जो है तो बना लेंगे, और एक एक पार्ट को हमें जो है तो सी लेना है, इससे क्या होता है ये सिक्योर हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जो है तो पूरा फ्लावर हमारा हो चुका है, और इसे जो है तो अच्छे से हम क्या करेंगे, अभी सी लेंगे पीछे से, और इस तरीके से ये रेडी हो चुका है, और ये बहुत दिनों तक ऐसा ही रहेगा। और ये वॉशेबल है, हम कपड़े का बनाया हमने तो ये हम वॉश भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बना कर दिखाना चाहूँगी। Thank you.
तो इस तरीके से हमारे फ्लावर्स रेडी है। और इसी तरीके से मैंने चाहे तो छोटे बड़े फ्लावर्स बना लिए हैं। आप चाहे तो आपको अगर दूसरे कलर में चाहिए तो आप वो कपड़ा यूज़ करके इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिएगा ये छोटा वाला है तो ये छोटे का यूज़ हमने अगर ब्रेड वगैरह बना ली है बालों में तो उसमें हम ये टकिंग कर सकते हैं। ये मोटे वाले जो है तो वन साइड में हम यूज़ कर सकते हैं। आप जिस तरीके से आपको यूज़ करना चाहे उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिएगा इस तरीके का अब हम जो है तो हेयर पिन लेंगे और इसको क्या करेंगे, अभी हमने धागा तो यूज़ करते ही किया ही था तो इस तरीके से इसको सिर्फ डालना है बस। और डालने के बाद हम अगर ये टक इन कर देंगे हमारे ब्रीड में हो या हमने अगर बालों का जूड़ा वगैरह बनाया हो तो वहाँ पर भी हम इसे टक इन कर सकते हैं। अब सेफ्टी पिन से भी हम इसे इस तरीके से लेके सेफ्टी पिन से हम इसे डालेंगे। और आप चाहे तो इस तरीके से सेफ्टी पिन बालों में लगा सकते हैं टिकटॉक की पिन की हेल्प से। इस तरीके से इजीली ये हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बालों में ये बैठता है तो हमारे बाल सिक्योर भी रहेंगे और अच्छे भी दिखेंगे। आपका लुक भी एकदम अच्छे से उभर कर दिखाई देगा। और बालों में अगर आपको कहीं पर लगाना है पार्टी में वगैरह तो आप इसे इस तरीके से बहुत सारे यूज़ करके बालों में एक साइड पर लगाएंगे तो आपका लुक डेफिनेटली बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से आप बनाकर इस तरीके से बालों में सजा सकते हैं। तो देखिएगा कितना सुंदर लुक यहाँ पर आया है। ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।